हेलो गाइस, राम राम। मैं आपका भाई कुलदीप परमार लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। गाइस देख सकते हो रही है बारिश और रात भर के बाद अभी भी गिर रहा है पानी झिमझिम। अभी भी बज रही है सुबह के 8। मैं अभी हाल ही उठा हूँ, हमने सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं। गाइस ये खड़ी अपनी मशीन और अभी इसमें वो मीटर कसना है बीगे वाला और बाकी उसके मैंने पूरे काम झाम खोल दिए थे वो कसना है। जैसे कही है कि साफ्ट भी खोल दी थी, वो नलियाँ भी लगानी है, उसको कंप्लीट कर पीछे खड़ी कर देंगे, फिर लाएंगे अपनी मशीन को। तो फिर ऐसा कंप्लीट करना है और आज शायद ये बक्सा निकालता हूँ मैं। अभी तो सबसे पहले पहिए अपने बक्से कसूँगा, है ना। मैंने उस दिन पत्ती वेल्डिंग करवाई थी उसमें, जिससे क्या है बोनट में छेद करवाने का काम नहीं। और ट्रैक्टर भी गाइस धो दिया है मैंने, कैसा धोया कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक टूल बॉक्स भी खोलेंगे यहाँ से, ये भी खोलेंगे। बाकी टूल बॉक्स तो मतलब ये चारों बॉडी का यहाँ बड़ा बनवाएंगे, कम से कम 2 फीट का, तो 2 फीट इधर जो सभी सामान हथौड़ी वगैरह मुआ जाए। ये टूल बॉक्स छोटा पड़ता है गाइस। और कल मैंने कड़ी वाले गियर भी लगा के देखे थे, ये गेहूँ के लगे आए थे, हम देखते हैं अपन से लगते हैं कि नहीं। मैं सोचता हूँ गाइस रोज वीडियो बना दूँ, पर ये पानी तो थमता ही नहीं है। कार्य प्रगति पर है ना। और इसका आखा भी लगाना है अभी, तो बहुत सारे काम है गाइस इसमें, है ना। पूरी धोती ये गियर बचे हैं जिसमें अभी ये जंग खेव। तो गाइस बक्से भी कसा गए हैं अपने, आप देख सकते हो कि जो अपनी पत्ती लगवाई थी अपने पावर टेक में कसे थे ये पहले बक्से, तो हमने पत्ती ऐसे ही करवाई कि जो ये बोल्ट थे अपने नीचे वाले, ये यूं था मतलब ये नीचे यहाँ छेद थे उसमें, तो इसमें हम मैंने बोनट ख़राब नहीं करवाएं और ये गादी रख कर इन्हीं को करवा दिए, है ना। ये होगा बिल्कुल फिक्स, वाइब्रेट ना हो इसके चक्कर में यहाँ पर भी गादी रख दी और यहाँ पर भी गादी रख दी है। और बाकी अपने नीचे जगह बच गई थी, अब देख सकते हो आर से पार दिखता है, कैमरे में नहीं दिख रहा है गाइस, ये इतनी गैप भी बच गई यहाँ, तो सड़ने का काम नहीं होगा। ये दोनों जगह चप्पल के गुटके रख देंगे तो बोनट को भी नुकसान नहीं होगा इसमें, है ना। ऐसे ही बक्सा उधर भी कसेंगे, जो कि ये बक्सा बड़ा ये पावर टेक में खोले था गाइस अपन ने, ये उसकी पेटी, ये पेटी भी लगाएंगे कहीं ना कहीं। और इनको हो गए 4 साल पर ख़राब होने का काम नहीं, बिल्कुल फ्रेश धरी है डेकने बक्से दोनों। और ये कपड़ा मैंने लगाया अभी हाल, है ना, ये कपड़ा इस साइड था तो इस साइड इसको घुमा कर लगाया है, बोल्ट नीचे के साइड थे ये ऐसे, तो कपड़ा यूं से खुलता था तो इसको मैंने यहाँ लगाए। तो कैसा लगे कमेंट करके बताना, है ना। अभी ये टूल बॉक्स खोलता हूँ, इसकी जगह देखता हूँ, वरना कसेंगे नहीं इसको, और इसका तो काम ही नहीं है गाइस, ये टूट जाएगा किसी दिन, तो इससे अच्छा इसको आगे लगा लेंगे, अच्छा लगेगा तो, है ना। चलो इसको भी मैं खोलता हूँ। तो गाइस यहाँ सीट पर बैठ कर आप ही देख सकते हो अभी कितना अच्छा दिख रहा है ना। और बाकी मैं ये टूल बॉक्स रख के आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा लगा था तो अपन ही जी दिखने का काम नहीं था, मतलब टाली फाड़ने में थोड़ी सी दिक्कत वगैरह रहती थी, है ना, और पीछे से भी अच्छा नहीं दिखता था। अभी ये हटाएंगे देखो पूरा क्लियर हो गया है ना।
तो ये पत्ती भी यहाँ से काट देंगी है ना। बाकी रिफ्लेक्टर जैसे पीछे से कोई भी सवारी चढ़ती है ना, तो इस पर लात धर के चढ़ रही थी, यानी ये किसी दिन टूट जाएगा। तो ये पत्ती हटवा कर बिल्कुल प्लेन डंडा करेंगे हम ये। बाकी ये जो टूल बॉक्स वगैरह है ये दूसरी जगह कहीं भी फिटिंग करेंगे। और बक्से का लुक ऐसा आ रहा है, इधर का बक्सा भी कसूंगा मैं है ना। वो डेक की पेटी के भी जुगाड़ देखते हैं कहाँ कसाएगी ये, इसको भी कसते हैं है ना। चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो गैस पूरा काम होने के बाद मैं आपको पूरा ही वीडियो डालूंगा। तो अभी मैं करता हूँ पूरी फिटिंग है ना, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो टूल बॉक्स भी हम कस देंगे, बक्सा कस देंगे, अपनी टेप कस लेंगे, और इसकी मैंने जगह देख ली है, बहुत अच्छा लुक आएगा। तो इसको कसेंगे 100 पर है ना माप इस प्रकार। तो ये अग्गेस चमकेगा सही, बहुत काम की चीज़ें है ना। तो आपसे पूरा अगले वीडियो में मिलते हैं ना गाइस। चलो धन्यवाद।